मैं आपके लिए अयोध्या में जाकर मर सकता हूं लेकिन आप मेरे घर में खाना नहीं खा सकते हैं, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र को बनाने में मेरा क्या फायदा है? तो 6 महीने होते होते हमें ये समझ में आने लगा कि ये जो हम इकट्ठा हो रहे हैं, ये केवल हम खेलकूद के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और खास तौर पे राष्ट्र की रक्षा के लिए था। क्योंकि जब शाखा में जाते जाते 1 साल हो गया, हम लोग अपना गणवेश जो वर्दी होती है, हाफ पैंट पैंट जो हाफ पैंट और टोपी और लाठी और वो सब जब ले आए, और हम छोटे मीटिंगों में भी तहसील स्तर पे जाने लगे, तब तक ये बातें खूब होने लग गई कि हमारे देश का जो बंटवारा किया है वो मुसलमानों ने किया है, ये आक्रांता है, आक्रमणकारी है, इनके आने से पहले देश बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी और दूध दही की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया था देश। गले में मालाएं पहनाई गई, भगवा पट्टियां बांधी गई, तिलक लगाए गए और हम बिल्कुल आत्म बलिदानी फिदायिनी दस्ते की तरह बन गए थे। हम गाना गा रहे थे उस वक्त, राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। बिल्कुल मन में ये था कि कुछ भी हो हमें बाबरी मस्जिद को तोड़ना है और उसके लिए चाहे हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बलिदान होगा भगवान श्री राम के नाम पर। और जो लोग 1990 में नवंबर में बाबरी मस्जिद की वहाँ अयोध्या में मारे गए, उनकी सबकी अस्थियों को लेकर के अस्थि कलश यात्रा हमारे जिले में निकाली गई, और वो अस्थि कलश यात्रा जब मेरे घर में आई और मेरे गांव में उसके लिए खाना बना, तो जो लोग साधु संत और बाकी लोग आरएसएस के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता, सेवा भारती के नेता उसके साथ आए हुए थे, उन लोगों ने मेरे घर में बैठ के खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपको ये खाना लेकर के पे कर दीजिए, हम अगले गांव में जाके खाएंगे। साधु संत आए हुए हैं, दूसरे लोग आए हुए हैं, ये नहीं खा पाएंगे आपके यहाँ, क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये पता है कि ये दलित हैं तो आपके घर इनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम अगले गाँव में खिला देंगे। उनको पैक करके दिया और उन्होंने आगे जा करके खाना खाने के बजाय फेंक दिया और किसी ब्राह्मण के घर में जा करके उन्होंने नया खाना बनवाया और फिर उसको खाया। तो उस घटनाक्रम के बाद मैं आरएसएस से काफी दूर हो गया और इन तमाम दलित संघी स्वयंसेवकों को भी कहना है और आरएसएस के मुखिया से लगा करके सब लोगों को कहना है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक तथ्यात्मक आंकड़ा, एक लिस्ट जारी करे कि हमारी इतनी शाखाएं हैं, इतना स्वयंसेवक है देश भर में, और ये जो स्वयंसेवक है इतने इतना परसेंट दलित है, इतना परसेंट आदिवासी है।